हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स की या स्विंग ट्रेड्स की, जो हम लोग इस हफ्ते ले सकते हैं, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते जब भी ट्रेड बन जाए उसमें ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक है अपने पास SJS एंटरप्राइजेस का। SJS एंटरप्राइजेस देखेंगे, क्लोजली वॉच करेंगे तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक असेंडिंग ट्राइंगल जैसा पैटर्न देखने को मिलता है, इसका ब्रेकआउट मिल चुका है हमें। यहाँ देखेंगे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है जिसका हमें ब्रेकआउट मिला यहाँ पे आज। बस एक चीज का हमें इसमें ध्यान देना है अभी कि ये एक जो हाई है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है, इसके अलावा यहाँ पे एक फेस करते दिखा है इम्पैक्ट। इसके अलावा जब इसके ऊपर निकलता है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग होल्ड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली पड़ी हुई है, कंपनी अच्छी है। और बाकी अगर 20-30% लेना चाहे तो वहां से फिर लेके निकल सकते हैं। मिनिमम हम लोग 20% लेने का लेंगे, मैक्सिमम स्विंग ट्रेड वाले लोग 30% लेने की कोशिश करिएगा। 20% देखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 650 का टारगेट ले सकते हैं हम लोग। 650 का टारगेट लेके यहाँ पे 20% का लेके बैठ सकते हैं। बस पहले इन लेवल्स को क्लियर होने का वेट करिएगा, इन लेवल्स को क्लियर होने का वेट करिएगा। यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट मिला है, इनफैक्ट एक कैंडल यहाँ पे, अरे कैंडल कह रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम की स्पाउट देखेंगे तो ये भी अच्छी है, मतलब अच्छे वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट मिला है। अगर एक रिवर्सल हो कि यहाँ से वापस जाता है तब भी यहाँ पे हम लोग एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, नहीं तो वेट कर सकते हैं कि इसका पहले क्लियरेंस दे दें इन लेवल्स का। क्योंकि अगर डायरेक्ट चला गया ऐसे ऊपर तो थोड़ा सा रिस्की होता है बाइंग करना, मतलब मान ले कि अभी कल ही हम लोग बाय कर ले तो एक प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ से वापस चला जाए अंदर। दूसरी चीज ये है कि अगर मतलब इसी के कंटिन्यूएशन में ऊपर चला गया, मतलब इसी कैंडल मान लेते ऊपर चला गया, तो फिर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि रिटेस्ट नहीं किया मार्केट 20 टारगेट में, मतलब टारगेट अचीव होने से पहले ही मान लेते कि यहाँ से भी कहीं ना कहीं वापस यू टर्न ले सकता है स्टॉक। तो अगर टेस्ट करके गया ऊपर तो अच्छी बाइंग एक बन सकती है, उस स्टेज पे हम लोग बाइंग करेंगे, नहीं तो ये लेवल क्लियर कर देंगे कल या परसों जब भी करें। बाकी डिसाइड करते हैं हम, अगर रिटेस्ट अगर कर लिया तो उस हिसाब से हम लोग बाय करेंगे। कल अगर मान लेते हैं यहाँ से रिटेस्ट करके दोबारा ऊपर जाने लगा, यहाँ से कोई विक बनाने लगा या ट्यूजडे को ऊपर गया, फिर उस हिसाब से हम लोग इस लेवल पे बाइंग करेंगे अगर रिटेस्ट किया तो। नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास नितिन स्पिनर्स देखेंगे तो एक अच्छे खासे फॉल के बाद यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। एज यूजुअल हम लोगों ने कई स्टॉक्स ट्रेड कर चुके हैं राउंडिंग बॉटम पे, तो इसका टारगेट होता है इस, मतलब जहाँ से स्टॉक फॉल करना स्टार्ट किया था वहां पे अपना अल्टीमेट टारगेट होता है। यहाँ पे देखेंगे तो इन लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर थोड़ा सा अपना फुट होल्ड जमा चुका है यहाँ पे। एक यहाँ पे अगर कंटिन्यू करता है तो हम लोग बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, या सिंपली अभी कल भी हम लोग बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इन लेवल का लेंगे, एक स्टॉप लॉस इन लेवल्स का लेंगे। अगर बहुत वर्स है, वर्स टू वर्स केस में भी गिरता है तो स्टॉक इन लेवल्स के नीचे नहीं आएगा जब तक मार्केट एकदम से क्रैश ना करने लग जाए। इन लेवल्स के नीचे अभी स्टॉक नहीं आएगा, तो अपना टारगेट यहाँ से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% का है, 55% का है। अगर यहाँ तक भी लें तो 50% का है। अगर कुछ इतना ऊपर नहीं लेना चाहो, थोड़ा सेफ खेलना चाहो तो यहाँ तक भी अपना टारगेट लें तो 50% का होगा टारगेट हमें लगता है, 47% का है। तो बट अपना अल्टीमेट टारगेट यहाँ तक का रहता है, अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग हम लोग कर सकते हैं। स्टेज वाइज देखना चाहो तो स्विंग टू स्विंग भी ले सकते हैं टारगेट, इस स्विंग पे ले लिया, इस स्विंग पे ले लिया, इस स्विंग पे ले लिया, तो ऐसे करके भी ले सकते हैं, ऐसे करके भी लिया जा सकता है टारगेट, क्योंकि हर एक स्विंग एक रेजिस्टेंस का काम करता है, इसलिए। तो लेवल्स को मार्क कर देते हैं, ये अपना अल्टीमेट टारगेट है, एक रेजिस्टेंस। इससे नीचे जो फेस होगा वो ये होगा। बाकी अगर लोग चाहें, जो अगर छोटा टारगेट लेना चाहें तो यहाँ तक भी लेके बैठ सकते हैं, ये भी बुरा टारगेट नहीं होगा, ऑलमोस्ट 15-20% तो होगा ही, 24% है। मान लेते हैं कल 4% चढ़ भी गया बाइंग करते करते, तब भी अपने पास 20% पड़ा। तो ये अपना था दूसरा स्टॉक नितिन स्पिनर्स। तीसरा स्टॉक देखेंगे अपने पास है CCL प्रोडक्ट्स। CCL प्रोडक्ट्स क्या है, CCL प्रोडक्ट्स काफी समय तक एक यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद अभी ब्रेकआउट दिया, दोबारा कंसोलिडेट करने लगा क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा पॉज आ गया था या करेक्शन आ गया था। तो यहाँ देखेंगे इन लेवल्स के ऊपर हम लोग बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे अभी बैठा हुआ है
यहाँ पे कल अगर इसके ऊपर थोड़ा सा क्लोजिंग मिल जाए तो कंफर्मेशन कर सकते हैं, बस हमें इन लेवल्स का ध्यान देना होगा कि यहाँ से भी एक बार वापस चला गया था, बस इसका ध्यान देना पड़ेगा कि दोबारा यहाँ से नीचे ना आए। तो बट इस बार तो क्योंकि थोड़ा सा मतलब मार्केट रिएक्ट कर गई थी अनयूजुअल वे में, रशिया यूक्रेन वाला सीन हो गया था, फिर उसके बाद एक से एक चीज ट्रिगर करने लगी, तो उस केस में मतलब अब की तो नॉर्मल केस है तो मान सकते हैं कि ऊपर चला जाएगा, लेकिन फिर भी इन लेवल से एक बार वैरी रहेंगे। अगर यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करने पड़ लगा तो अपना स्टॉप लॉस उठा के तो कम से कम लोग इस लेवल पे उठा के रख देंगे। बाकी अभी कहाँ रखना है स्टॉप लॉस, तो अभी हम इन कैंडल के नीचे लगा सकते हैं, और जो मतलब थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस ले सकते हैं अच्छा खासा, तो वो अपना स्टॉप लॉस इन लेवल्स का ले सकते हैं। अच्छे से मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ये अपना स्टॉप लॉस है, जो अगर थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेने की कैपेसिटी रखते हैं वो ये रखें, जिनको टाइट स्टॉप लॉस रखना है वो यहाँ तक का भी रख सकते हैं इन लेवल्स का। इन लेवल्स का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। इसमें भी टारगेट हम लोग लेंगे, टारगेट अपने इस डेप्थ तक का ले सकते हैं, मतलब ये जितना मतलब बड़ा ये कप बनाया है यहाँ तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं। ये प्रोजेक्ट करें ऊपर तो कितना होगा, फिफ्टी परसेंट टारगेट जो लेना चाहे वो यहाँ बैठे, जो 20% लेना चाहे वो 20% लेके भी निकल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं जल्दी से स्टॉक स्विच करो, अगला ब्रेकआउट देख रहा है वहां पे वहां चलो। तो ये अपने दो टारगेट्स हैं, एक 20%, नेक्स्ट जो बैठना चाहे वो 50% के लिए बैठ सकते हैं। बाकी थोड़ी चीज और है, स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे इस कंपनी के ऊपर, कुछ चीजें और कहनी है इसके बारे में, तो जो बैठना चाहते हैं वो 50% के लिए यहाँ तक बैठ सकते हैं। अपना नेक्स्ट स्टॉक बात करें तो उसके लिए पहले निफ्टी आईटी खोल लेते हैं। निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी में क्या देखने को मिलता है, कहाँ गया सीएनएक्स, ये है तो सॉरी ये रहा अपना निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में देखेंगे तो एक थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, बाकी ये सब निफ्टी ऑटो की बात करें, निफ्टी बैंक की बात करें, तो इन सब की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल चुका है। बट यहाँ पे क्योंकि कंपनियां यूएस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसके कारण से अभी इसमें से एक मतलब रिकवरी देखने को नहीं मिली है। तो अब करना क्या है हमें, बाकी सारे स्टॉक जो ब्रेकआउट दे दिए हैं मतलब हाई लेवल से वो सब अच्छा है, बट अभी इन लेवल मतलब निफ्टी के मतलब आईटी के स्टॉक्स को हमें ध्यान देना है, क्योंकि अभी तक ये अभी चले नहीं है, मतलब अभी तक फॉल में है, तो इनका मतलब एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, 20-30% इंडेक्स में भी गिरावट हो चुकी है, स्टॉक्स में भी गिरावट हो सकी है। अब इन लेवल से ऑलमोस्ट हम लोग को बाइंग करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बार बार ऐसी हम लोग रैली मिस कर जाएंगे तो एक मतलब जो नीचे से एडवांटेज होता है, जो नीचे लेवल से बाय करने का होता है वो मिस कर जाएंगे, वो हमें करना नहीं। तो अभी क्या करेंगे, और वैसे भी एक मतलब एक थ्योरी होती है कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर अगर इंडस्ट्री है वो पीछे रह गई, वो रैली नहीं की है, उसके छोड़ के उसके अलावा जितने भी और भी जितने इंडस्ट्री हैं, जितने सेक्टर्स हैं, वो सब रैली कर चुकी हैं, तो मतलब ये जो सेक्टर जो बचा हुआ है इट इज बाउंड टू कैच अप टू देम, मतलब आज नहीं तो कल जितना वो लोग ऊपर गए हैं उतना ये भी जाएगा, मतलब एग्जैक्टली उतना नहीं जाएगा बट समवेयर अराउंड मतलब उसके आसपास पहुंच जाएगा। मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20-30% तो कम से कम आगे रैली देखने को मिल सकती है आईटी सेक्टर में, और उसके बाद अगर मतलब नया हाई लगाने लगा तो उसकी बात अलग है। तो इसी के चलते हम लोग देखेंगे हैप्पीएस्ट माइंड, हैप्पीएस्ट माइंड देखेंगे, हैप्पीएस्ट माइंड में देखेंगे तो हैप्पीएस्ट माइंड में गिरावट आई थी, अच्छी खासी गिरावट आई थी। अब इस पैटर्न की बात बाद में करेंगे कभी, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक गिरावट आई थी, गिरावट आने के बाद हमारे यहाँ पे मतलब यू टर्न पैटर्न देखने को मिला, पूरा एक यू रिकवरी थी यू शेप में। और तो और यहाँ से देखेंगे ब्रेकआउट देने के बाद, ब्रेकआउट देने के बाद इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हो, यहाँ पे देख लो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हैं इसको, बहुत क्लियर नहीं है बट यहाँ से देखेंगे ब्रेकआउट देने के बाद एक यहाँ से रीटेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे होल्ड कर गया, यहाँ पे एक हमें ग्रीन इंगल्फिंग कैंडल का वेट करना है, यहाँ पे अगर होल्ड कर गया तो वी कैन स्टार्ट बाइंग। फिर एक मतलब मान लेते हैं कि इस रेड कैंडल से लंबी कैंडल बन गई तो इस कैंडल के एंड पे बाय करेंगे, बीच में बाय मत करना, वापस भी आ जाता है कभी कभी, अगर गिरना होगा तो वापस आ जाएगा, इसीलिए डेली कैंडल पे बाय करना थोड़ा सा ज्यादा नेसेसरी हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे हमें वेट करना होगा कि एक ग्रीन इंगल्फिंग कैंडल बनाए, उसका स्टॉप लॉस हम लोग इस लेवल का ले सकते हैं, जो अच्छा खासा स्टॉप लॉस दे सकते हैं वो अपना कैपेसिटी यहाँ तक कर लेंगे।
नहीं तो एक बार क्योंकि रीटेस्ट कर चुका है, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक लो बनाया है, तो अपना यहाँ तक का भी हम लोग स्टॉप लॉस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस देने का यहाँ पे भी सेंस बन सकता है। बट डिपेंडिंग ऑन मतलब रिस्क एपेटाइट, यहाँ वाले मतलब जो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस देना चाहे वो यहाँ पे ले सकते हैं, जो सेफ प्ले करना चाहते हैं वो यहाँ तक का स्टॉप लॉस लेके बैठ सकते हैं। इसके लेवल्स कहाँ तक, क्योंकि इनकी अगर हम बाइंग करते हैं, इस लेवल पे अगर बाइंग करते हैं तो पूरा यहाँ तक लेने की पूरा कोशिश करेंगे, नहीं तो स्विंग वाइज भी चल सकते हैं, अपना ये टारगेट रख सकते हैं। एक मिनट, ये टारगेट रखेंगे अपना अल्टीमेट मतलब ऑल टाइम है, ये रखेंगे अपना उससे नीचे, और ये रखेंगे उससे नीचे। ये तीन टारगेट्स हैं, इन तीन टारगेट्स के लिए हम लोग आने वाले दिनों में हैप्पीएस्ट माइंड में वर्क करेंगे। बस क्या एक शर्त है कि एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना दे इस लेवल से, और उसके नीचे क्लोजिंग ना दे भी, मतलब कुछ दिन तो ना ही दे। तो इस स्टॉक को हम लोग बाई करेंगे, कितना परसेंट रिटर्न होगा अगर यहाँ से अगर वहाँ चला गया तो? यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ से बाइंग करेंगे हम लोग 1,000 रुपये से, तो 44% तो कहीं नहीं गया। इसके ऊपर अब जब नए हाई लगाने लगेगा तो वो तो लग की बात है, क्योंकि एक यहाँ पे यू शेप रिकवरी के बाद हो सकता है कब बन जाए, कब के बाद एक हैंडल बना ले उसके बाद ऊपर चला जाए। तो यूजुअली ऐसे होता है, एक रिकवरी के बाद एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर देखना चाहो तो कई जगह मिल जाएगा, अभी देखोगे तो इसको ट्रैक कर सकते हो। एक्शन इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन गो, इस पे यही पैटर्न है, राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग बॉटम पढ़ने बनने के बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला है। अब इसको यहाँ से बाय करना चाहो तो बाय भी कर सकते हो, मतलब ये बाइंग के लिए अभी हम इसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी हाईली साइक्लिकल है, स्विंग ट्रेड्स के लिए नहीं है सब कंपनियां, मतलब स्विंग ट्रेड के लिए नहीं है इन द सेंस, ये नहीं कि खरीद नहीं सकते हो, खरीद सकते हो, मतलब अगर गलत टाइम पे अगर बाइंग हो रही है इन कंपनियों पे तो फिर फंस सकते हो इन समय में, लंबे समय के लिए। तो स्विंग ट्रेड वालों के लिए नहीं है, जो इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए स्विंग ऐसे कंपनी में, उनके लिए सब कंपनी कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट यहाँ भी देखेंगे तो वैसे ही राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, बट थोड़ा सा मतलब उतना डीप नहीं है जितना हैप्पीएस्ट माइंड में। बस अब इसको फॉलो कर सकते हैं, देखिएगा ये कंपनी कितना ऊपर जाती है, बस इसको ये देखिएगा। अगर पैसा डालना है तो डाल सकते हो एक्सपेरिमेंट के लिए, नहीं तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, बस ट्रैक करना इसको लेकिन जरूरी है। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन वाला नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना। ओके, बाय।